नमस्ते, मेरा नाम शालिनी है और मैं सेवा एट होम में क्लिनिकल टीम में काम करती हूँ। तो आज हम लोग बात करेंगे फर्स्ट एड के बारे में। तो अगर किसी को कहीं चोट लग जाती है या कहीं कोई कट लग जाता है, ब्लीडिंग होने लगती है, तो आपको क्या करना चाहिए? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जो है वो फर्स्ट एड ड्रेसिंग करेंगे। उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें ग्लव्स चाहिए, हमें फर्स्ट एड बॉक्स चाहिए जिसमें हमें आपका सेवलॉन सॉल्यूशन या डिटॉल सॉल्यूशन कुछ क्लीन करने के लिए, और कॉटन चाहिए हमें उसको क्लीन करने के लिए, एक गॉज बैंडेज चाहिए ड्रेसिंग करने के लिए, कोई भी ऑइंटमेंट चाहिए हमें बीटाडीन वगैरह उसको लगाने के लिए, ठीक है। और अगर हम चाहें तो एडहेसिव टेप भी ले सकते हैं ड्रेसिंग को कवर करने के लिए। और हमें क्या चाहिए, सैनिटाइज़र चाहिए अपने हैंड्स को क्लीन करने के लिए। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने हैंड्स को क्लीन करेंगे। ठीक है, क्लीन करने के बाद हम क्या करेंगे, ग्लव्स वेयर करेंगे। हमें ध्यान देना है कि चोट जो हो ज्यादा बड़ी नहीं है, ज्यादा ब्लीडिंग ना हो उसमें से। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है वो एक कट लग गया है जिसमें से जो है वो ब्लीड हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी ब्लीडिंग हो रही है उसको कॉटन की हेल्प से जो है वो पहले उसको हम पूरा क्लीन कर लेंगे। ठीक है, तो कॉटन की हेल्प से हम पहले उसे क्लीन करेंगे पूरा। ठीक है, और इन सब ये सारा भी जितना भी कॉटन वगैरह रखने के लिए हम थोड़ा कुछ रख लेंगे, कोई बॉक्स वगैरह, ताकि हम जो है वो ब्लड वाला जो जो भी कॉटन है उसको हम एक जगह पे इकट्ठा कर सके, ताकि हम उसे बाद में वो कर दें। फिर हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा सेवलॉन हमारे पास है अगर, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा सेवलॉन लेके और उसको जो है वो क्लीन कर देंगे। आपको क्या है, पेशेंट को बताना है कि उनको थोड़ा सा जलेगा, क्योंकि अगर हम सेवलॉन लगाएंगे तो थोड़ा सा जलेगा, तो हम उन्हें बता देंगे कि सेवलॉन हम आप सेवलॉन से क्लीन कर रहे हैं और आपको थोड़ा थोड़ा जलेगा, तो हम हल्के 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 टैप कर करके जो है उसको क्लीन कर देंगे। ठीक है, क्लीन करने के बाद हम क्या करेंगे, हम जो है वो ऑइंटमेंट लेंगे, बीटाडीन वगैरह, हम कुछ भी बीटाडीन ले सकते हैं, कोई भी एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट ले सकते हैं हम। हम ऑइंटमेंट लेके जो है वो पेशेंट के जहाँ पे भी कट लगा है हम उसको लगा सकते हैं। ठीक है, अगर जो है वो पेशेंट का जो हाथ है वो ज़्यादा शार्प या उससे कट हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं, बीटाडीन के ऊपर कॉटन भी लगा सकते हैं, ताकि वो उस पर चिपके ना। तो कॉटन लगा के हम क्या करेंगे, वहाँ पे उस एरिया पे ड्रेसिंग कर देंगे। हम देख लेंगे, अगर ड्रेसिंग की ज़रूरत है तो हम ड्रेसिंग करेंगे, अदरवाइज हम बैंडेज लगा के उसको अच्छे से प्रॉपर ऑइंटमेंट वगैरह लगा के उसे छोड़ देंगे। तो यहाँ पे ज़्यादा थोड़ा ज़्यादा कट था, तो हम क्या करेंगे, इनकी ड्रेसिंग कर देंगे, अच्छे से हम ड्रेसिंग करेंगे। और पेशेंट को बोलेंगे कि वो, क्योंकि ये हाथ पे है, तो पेशेंट को बोलेंगे कि हाथ जो है वो उसका गीला नहीं करे वो हाथ। ठीक है, सिर्फ टेस्ट से उसको, अगर हो सकता है तो हम उसको टाई कर देंगे, अदरवाइज हम उसको एडहेसिव टेप से हम जो है यहाँ पे उसको फिक्स कर देंगे। सो आई होप आपको समझ में आया हो कि अगर छोटा मोटा कट पेशेंट को अगर लग जाता है तो हमें क्या करना चाहिए। थैंक यू।